तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो है वो 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है, और इसी बीच कई सारे अफवाहें सामने निकल के आ रही है कि 5G से लोगों को परेशानी हो रही है या लोगों का जो है वो रोग का कारण बन रहा है 5G। और बहुत बहुत जो है यह सवाल है जो लोगों के मन में है कि 5G से क्या हो रहा है, कि पंछी को नुकसान पहुंच रहा है, आदमी जो मनुष्य उस पर भारी नुकसान पड़ सकता है। तो इसी बीच हमारे जो भारत की जो हीरोइन है जूही चावला, उन्होंने भी एक दिल्ली हाई कोर्ट में क्या किया कि याचिका दायर की, और उस याचिका में उन्होंने बताया कि 5G का ट्रायल बंद कर देना चाहिए, इसमें जो है लोगों की बहुत परेशानी है, काफी लोगों का कारण बन रहा है 5G का ट्रायल। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि उनका याचिका जो है वो खारिज कर दिया और साथ में उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। तो हाई कोर्ट ने इस याचिका को दोषपूर्ण साबित कर दिया और साथ में बता दिया कि ये जो याचिका थी वो सिर्फ प्रचार पाने के लिए किया गया था जूही चावला के द्वारा, और इसी के चलते उन पर जो है 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया। तो तरह तरह की जो है वो 5G को लेकर अफवाह फैल रही है कि 5G से ये होता है, 5G से वो होता है। तो जूही चावला ने क्या किया था कि उन्होंने जो जो होता है जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसका वीडियो का जो लिंक है वो सोशल मीडिया पे दे दिया था, इसी के चलते अदालत ने उन पे 20 लाख का जुर्माना लगा दिया और साथ में ये भी करार कर दिया कि जो आपकी याचिका है वो दोषपूर्ण है, वो गलत है, आप प्रचार पाने के लिए, लोगों की पब्लिसिटी के लिए आपने ऐसा किया है। तो खारिज करते हुए ऐसे ही जूही चावला पर उन्होंने 20 लाख का जुर्माना लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मतलब 5G के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि हाँ 5G से ये होता है, ये होता है, या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है 5G, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि 5G क्या सही है या गलत है। वैसे तो बहुत सारे देश हैं जो 5G से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ गए और वहाँ से 6, 7, 8, 9, 11G तक पहुँच रहा है, और जो कंपनी है वो दावा करती है कि 5G से हेल्थ को कोई खतरा नहीं है, और जो ये टेलीकॉम विभाग वाले हैं जो उन्होंने दावा किया है कि 5G से कोई भी जो है वो खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि जो 5G की रेडिएशन निकलने वाली है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बहुत कम है और इससे जो है इंसान की सेल को कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकता है। तो चाहे कुछ है न्यूज 5G को लेकर, कि अगर आप भी 5G टेक्निक के बारे में कुछ जानते हैं या आप उस पर मतलब मानते हैं कि 5G से हाँ रेडिएशन फैलता है या उसे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।